दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज के मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़ आ चुका है, जहां एक और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। वहीं सुशांत के पिता ने इस केस को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों चीन को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ अमेरिकी वायुसेना के फाइटर विमान होंगे शामिल। जी हां, अमेरिका इन घातक फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के साथ शामिल करेगा। साथ ही दोस्तों अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वही राम मंदिर को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आ रहा है। साथ ही दोस्तों आम नागरिकों में राशन वितरण को लेकर एक नई पॉलिसी सरकार की सामने आ रही है, जिसका 125 करोड़ भारतीयों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही दोस्तों चीन ने लिया है अमेरिका के खिलाफ पहला डायरेक्ट एक्शन। जी हां, युद्ध की तैयारी हो चुकी है शुरू, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों इसराइल ने शुरू की है सिर्फ 8 रुपए में भरपेट भोजन खिलाने की योजना। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे, इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरू के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने जताया संपत्ति का दावा, बोले मैं हूँ कानूनी वारिस। जी हाँ दोस्तों, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पिता केके सिंह ने खुद को सुशांत का कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया है। सुशांत के पिता केके सिंह ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि वो अपने बेटे के कानूनी उत्तराधिकारी है। उन्होंने कहा कि सुशांत ने अपने जीवन में जिन वकीलों सीए प्रोफेशनल को रखा है उनकी सेवाएं ले रखी थी, अब वो खत्म होते हैं। केके सिंह ने कहा कि अब सिर्फ मैं सुशांत का कानूनी रूप से वारिस हूँ। वही सुशांत के पिता ने बयान जारी करते हुए प्रेस को जारी किए गए एक नोट में लिखा है, मैं घोषणा करता हूँ कि सुशांत का कानूनी उत्तराधिकारी मैं हूँ। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि सुशांत ने क्या आत्महत्या की है या मौत हुई है। यदि मौत हुई है तो क्या रिया चक्रवर्ती इसके मुख्य आरोपी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अपने सबसे घातक विमान को भारत चीन सीमा पर तैनात कर सकता है यूएस, 16 परमाणु बम्बों से है लैस। जी दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीनी सेना के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका भारत की मदद के अपने सबसे एडवांस्ड और घातक परमाणु बॉम्बर B-2 स्प्रिट को तैनात कर सकता है। अमेरिका का ये विमान एक साथ 16 परमाणु बम लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये विमान जल्दी भारतीय वायुसेना के साथ फ्लाई ओवर मिशन, युद्ध की तैयारियों और साझा युद्ध रणनीति बनाने के अभियान में शामिल हो सकता है। अमेरिकी पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास को भारत चीन सीमा पर ही अंजाम देने की तैयारी चल रही है। भारत के प्रति दोस्ती जाहिर करने के साथ साथ अमेरिका चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी करीब से परखना चाहता है और भारतीय सीमा पर इसे इसका पूरा मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका, समधी ने नीतीश कुमार से मिलाया हाथ। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल एक दूसरे को तोड़ने और जोड़ने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। जेडीयू में चंद्रिका राय के साथ ही दो अन्य विधायक शामिल होंगे। आपको बता दें कि छपरा के परसा विधानसभा सीट से चंद्रिका राय विधायक है और फरवरी में ही उन्होंने आरजेडी छोड़ दी थी। चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव के ससुर है। जैसा कि विदित है कि तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं और उनका मामला तलाक लेने तक पहुंच गया है। फिलहाल कोर्ट में तलाक का केस लंबित है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अयोध्या में 2 महीने तक नहीं होगा नई मस्जिद का निर्माण, ये वजह आई सामने। जी दोस्तों, अयोध्या के धनीपुर गांव में बनने वाली नई मस्जिद पर कम से कम 2 महीने तक जमीन स्तर पर कोई काम नहीं होगा। मस्जिद के निर्माण की देखरेख के लिए बनाए गए ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक साइट पर फसलें खड़ी है। ट्रस्ट के सचिव प्रवक्ता अतर हुसैन ने बताया कि जब तक खड़ी धान की फसल काटी नहीं जाती है तब तक जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, अब इस तारीख के बाद होंगे चुनाव। जी दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इस बीच कोरोना के कारण राजस्थान में 129 स्थानीय निकायों के चुनाव को 20 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला राज्य चुनाव आयोग ने लिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक अगर आयोग ये पता कर लेता है कि चुनाव कराना संभव है तो 20 अक्टूबर से पहले आयोग चुनाव करा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने आदेश जारी कर कहा कि बाड़मेर और भरतपुर जिला कलेक्टर को छोड़कर सभी जिला कलेक्टर पर ये आदेश लागू होंगे। बाड़मेर और भरतपुर में पहले चरण के चुनाव के दौरान नगरपालिका के चुनाव संपन्न हो गए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन ने लिया अमेरिका के खिलाफ पहला डायरेक्ट एक्शन, युद्ध की तैयारी शुरू। जी दोस्तों, कोरोना को लेकर चीन और अमेरिका में शुरू हुई जुबानी जंग अब धीरे धीरे दोनों देशों को युद्ध की तरफ बढ़ा रही है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्वी थिएटर की कमान ने अपनी नेवी और एयरफोर्स को भेजकर ताइवान स्ट्रेट में घूम रहे अमेरिकी युद्धपोत यूएस मस्टिन की घेरेबंदी की और अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए ताइवान के सवाल पर रेड लाइन क्रॉस नहीं करने को कहा है। चीन का यह एक्शन मंगलवार को अमेरिकी प्रशांत बेड़े की मिसाइल विध्वंसक अकेले बर्क द्वारा ताइवान स्टेट में मिनी मेलैंड के बहुत करीब से गुजरने की घटना के बाद आया है। चीन की नेवी ने इस अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के पीछे अपनी डिस्ट्रॉयर नानजिंग के साथ जंगी हवाई जहाज और ड्रोन भी लगा दिए थे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दुनिया भर में अब तक 2.25 करोड़ लोग हुए कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में हुई 6,438 लोगों की मौत। जी दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस समय बढ़ने के साथ साथ और ज्यादा जहरीला होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में दुनिया के 213 देशों में 2.58 लाख नए मामले सामने आए और 6,438 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में अब तक कुल 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण के मामले आ चुके हैं, जबकि 7,90,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,52,00,000 के पार पहुंच गया है, जबकि दुनिया भर में अभी भी 64,00,000 एक्टिव केस हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पत्थरों से बनेगा राम मंदिर, 1,000 साल होगी उम्र। जी दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में केवल पत्थरों का उपयोग किया जाएगा और ये मंदिर 1,000 साल से ज्यादा साल तक खड़ा रहेगा। ये दावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को कहा है। विश्व हिंदू परिषद के भी वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत ने कहा कि IIT चेन्नई से आए देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग और केंद्रीय भवन शोध संस्थान के वैज्ञानिकों को भी मंदिर की निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। राय ने कहा कि लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी मंदिर निर्माण का काम करेगी। वहीं IIT चेन्नई की मिट्टी की मजबूती की जाँच और CBRI से भवन को भूकंप निरोधी बनाए रखने के लिए आवश्यक सलाह ली जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर के भवन के निर्माण के लिए करीब 10,000 तांबे की छड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग निर्माण प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं वे तांबा भी दान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार ने बताया एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पूरे भारत में मार्च तक शुरू करने के प्रयास जारी। जी दोस्तों, केंद्र ने बुधवार को कहा कि एक देश एक राशन कार्ड योजना का कार्यान्वयन इसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है और अगले साल मार्च तक इस सुविधा को पूरे देश में लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक देश एक राशन कार्ड योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाली सभी पात्र राशन कार्ड धारकों या लाभार्थियों को देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकने में एक विकल्प प्रदान करेगा। NFSA के तहत केंद्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करता है, जो लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को 2-3 रुपए प्रति किलो के अत्यधिक रियायती मूल्य पर मिलता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना आज से शुरू, 8 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। जी दोस्तों, राजस्थान सरकार अपनी महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना गुरुवार से शुरू करेगी। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि कोई भूखा ना सोए के संकल्प के तहत 20 अगस्त से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए वहन करेगी। सरकार इस योजना के संचालन में सेवाभावी संस्थानों व स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग भी लेगी। अधिकारियों के अनुसार इस योजना में दोनों समय का भोजन रियायती दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपए अनुदान देगी। वहीं प्रदेश के सभी 213 नगरी निकायों में 358 रसोइयों का संचालन किया जाएगा, जहां जरूरतमंद लोगों को सामान के साथ बैठाकर भोजन खिलाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र की नौकरियों के लिए होगा एक ही एग्जाम, सरकार का ऐतिहासिक फैसला। जी दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने बुधवार को रोजगार के लिए परीक्षाएं देने वाले युवाओं को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत अब CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA बनाने की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बात ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल युवाओं को नौकरी के लिए
कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती है। ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं। वहीं परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूर दराज के सेंटर्स में जाना पड़ता है। इसके अलावा हर परीक्षा के लिए अलग से फीस देनी होती है। लंबे समय से ऐसी टेस्टिंग एजेंसी की मांग की जा रही थी, इसी के चलते NRA के गठन का निर्णय किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पाक आर्मी चीफ की सऊदी अरब में घोर बेइज्जती, क्राउन प्रिंस ने नहीं की मुलाकात। जी दोस्तों, नाराज सऊदी अरब को मनाने पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। खबर है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात ही नहीं की। इसके बजाय उन्होंने क्राउन प्रिंस के छोटे भाई के साथ बैठक की अनुमति दी, जो कि सऊदी अरब के उप रक्षा मंत्री है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को एक पदक दिया जाना था, जिसे सऊदी ने मना कर दिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब द्वारा दशकों पुराने संबंधों को खत्म करने के ऐलान से पाकिस्तान बेचैन हो गया है। नाराज सऊदी अरब को मनाने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा रियाद पहुंचे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयानों से खफा होकर सऊदी ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उसने इस्लामाबाद को कच्चे तेल की सप्लाई और लोन देने पर रोक लगा दी है। हालांकि पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि यात्रा पूर्व नियोजित थी और मुख्य रूप से सैन्य मामलों को लेकर थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, आज विदेशी बाजारों में सस्ता हुआ सोना, जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में फिर से गिरावट आई है। अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती के चलते विदेशी बाजार में सोना खरीदना सस्ता हो गया है। बुधवार को सोने की कीमतें $2,000 प्रति औंस से नीचे आ गई है। इन्हीं संकेतों को चलते भारतीय बाजारों में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतें गिर गई। MCX पर अक्टूबर का सोना वायदा 0.5% गिरकर 53,313 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। साथ ही चांदी वायदा 0.8% गिरकर 68,938 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। वहीं पिछले दो सत्र में सोने की कीमतें 1300 रुपए प्रति 10 ग्राम उछल गई थी, जबकि चांदी 2100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी थी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।